Assalamualaikum students how are you i hope you are doing well today we are going to start our new unit unit 4 and our topic is decimals and percentages in this unit we will learn the basics of decimals how to compare the decimal numbers by using signs how to arrange the decimal numbers and how to add or subtract the decimal

और एक फ्रैक्शनल पार्ट हो और उन दोनों नंबर्स को एक डेसिमल पॉइंट सेपरेट करे तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल्स। जैसे आप लोगों ने होल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा हुआ है जिसके अंदर वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड सो ऑन इस तरह की प्लेसेस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं तो इसी तरह डेसिमल्स की भी प्लेसेस होती हैं प्लेस वैल्यूज़ होती हैं जिसमें टेंथ हंड्रदज़ेंड जैसे मैंने साइड के ऊपर मेंशन की हुई है स्मॉल टी फॉर टेंथ स्मॉल एच फॉर हंड्रद स्मॉल टी एच फॉर थाउजेंड इसी तरह जैसे मैंने नीचे एक नंबर लिखा हुआ है फोर्टी टू पॉइंट थ्री अब फोर्टी टू पॉइंट थ्री में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं वन डेसिमल प्लेस डेसिमल प्लेस हम कहते हैं पॉइंट की राइट right साइड के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं डेसिमल प्लेस तो फोर्टी टू पॉइंट थ्री इसके अंदर वन डिजिट है ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट तो हम इसको कहेंगे कि इट हैज़ वन डेसिमल प्लेस और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फोर्टी टू होल थ्री बाय टेन बिकॉज थ्री इज़ ऑन द टेंथ प्लेस इसी तरह वन वन एट पॉइंट सिक्स वन दिस नंबर हैज़ टू डेसिमल प्लेसेस सो वी कैन ऑल्सो राइट वन वन एट होल नंबर सिक्सटी वन बाय हंड्रेड ठीक तो अब हम ये देखेंगे कि हम इन नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे कंपेयर डेसिमल्स यूजिंग ग्रेटर लेसर एंड इक्वल साइन अब जैसे मैंने ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं टू पॉइंट सिक्स वन एंड टू पॉइंट सेवन फाइव जब हमने इनको कंपेयर करना है कि भाई इन दोनों नंबर्स में से विच वन इज़ ग्रेटर तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो होल नंबर्स हैं क्या हमारे होल नंबर्स इक्वल हैं अगर तो हमारे होल नंबर्स सेम है तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनमें डेसिमल प्लेसेस जो हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस को पहले देखेंगे कि उनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे सिक्स आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे सेवन और है तो यहाँ से ही हमें कंपेयरिंग करने में आसानी हो जाएगी तो ये टू पॉइंट सिक्स वन एंड दिस इज़ टू पॉइंट सेवन फ़ाइव हमारी जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है वो ही हमें बता रही है कि हमारे पास इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है तो टू पॉइंट सेवन फ़ाइव इज़ ग्रेटर देन टू पॉइंट सिक्स वन इसी तरह नेक्स्ट हमारा है फाइव पॉइंट फोर सेवन थ्री अब इसमें थ्री डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पे फाइव पॉइंट फोर सेवन फ़ोर सबसे पहले हमने क्या कंपेयर करना है होल नंबर्स को कि क्या हमारे होल नंबर सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे भी फाइव है और यहाँ पे भी फाइव है उसके बाद हम डेसिमल प्लेसेस चेक करेंगे कि हमारी डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे सेम नहीं आ रही जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस दोनों में सेम है सेकंड डेसिमल प्लेस दोनों में सेम है थर्ड डेसिमल प्लेस हमारी चेंज हो गई यहाँ पे फोर सेवन थ्री आ रही है यहाँ पे फोर सेवन फोर आ रही है तो फाइव पॉइंट फोर सेवन फोर इज़ ग्रेटर देन फाइव पॉइंट फोर सेवन थ्री सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द डेसीमल नंबर्स नेक्स्ट ऑर्डरिंग डेसीमल्स ऑर्डरिंग डेसीमल में टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स होते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर होता है एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है एंड एज यू नो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू राइट द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर ठीक है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना तो इन uh, टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज फोर ए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फोर ए में क्वेश्चन नंबर फोर आप अपनी बुक्स पे चेक करें क्वेश्चन नंबर फोर में फोर में हमारे पास है कंपेयर एंड राइट ग्रेटर और लेसर अब मैंने जैसे आपको ऑलरेडी अभी बताया कि हमने सबसे पहले होल नंबर देखना है कि होल नंबर हमारे पास सेम आ रहे हैं या नहीं और फिर उसके बाद हम अपनी डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे जैसे यहाँ पे देखें थ्री एंड थ्री हमारे पास होल नंबर दोनों सेम आ रहे हैं लेकिन हमारी डेसिमल प्लेसेस फर्स्ट डेसिमल प्लेस ज़ीरो और यहाँ पे हमारी फर्स्ट डेसिमल प्लेस है थ्री तो यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री इज़ ग्रेटर देन थ्री पॉइंट ज़ीरो थ्री इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है फाइव ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव एंड फाइव ज़ीरो पॉइंट फ़ोर एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास टू डेसिमल प्लेसेस हैं जबकि यहाँ पे हमारे पास वन डेसिमल प्लेस है तो जब इस तरह का भी हो सवाल तो हम इसके साथ एक अपनी आसानी के लिए ज़ीरो ख़ुद से ऐड कर लेंगे टू इक्वलाइज द डेसिमल प्लेसेस अब यहाँ पे अगर देखें हमारे होल नंबर दोनों के सेम आ रहे हैं फिफ्टी एंड फिफ्टी पर यहाँ पे हमारा फर्स्ट डेसिमल प्लेस जीरो है जबकि यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस फ़ोर है तो इधर से हमें पता लग गया कि फ़िफ्टी पॉइंट फोर इज़ ग्रेटर देन फिफ्टी पॉइंट ज़ीरो फाइव ठीक तो बच्चों ये दो पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट हमारा है री राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर अब यहाँ पर आपने सेम देखना है होल नंबर्स के कौन सा होल नंबर बड़ा है अगर जैसे होल नंबर बड़ा होने के सेम हो होल नंबर आ रहे हैं उसके बाद हम लोगों ने डेसीमल प्लेसिस को देखने है. जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें एट पॉइंट जीरो फोर एट पॉइंट जीरो फाइव सेवनटीन पॉइंट थ्री एंड सेवनटीन पॉइंट फाइव सिक्स तो इस सवाल से हमें बहुत क्लियर पता चल रहा है कि 17.56 पॉइंट फाइव सिक्स इनमें सबसे बड़ा नंबर है तो हम उसको सबसे पहले लिख देंगे उसके बाद सेवेंटीन पॉइंट थ्री अब मैंने जैसे आपको अभी ऊपर भी एक बात बताई कि हमने अपने डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे जैसे हमें इधर पता है कि टू डेसिमल प्लेस हैं इधर भी टू डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पे वन है तो इसके साथ हम एक ज़ीरो ख़ुद से ऐड कर देंगे अपनी आसानी के लिए तो सेवनटीन पॉइंट फाइव सिक्स के बाद हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे सेवनटीन पॉइंट थ्री ज़ीरो उसके बाद एट पॉइंट ज़ीरो फाइव एंड द लास्ट वन इज़ एट पॉइंट तो इस तरह हमने अपने स्टेटमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया नेक्स्ट हमारे पास है 19.4 पॉइंट फोर अलेवन पॉइंट नाइन फोर नाइनटीन पॉइंट फोर सिक्स अलेवन पॉइंट नाइन फाइव अब इसमें सिर्फ जो हमारे पास 19.4 पॉइंट फोर है उसके अंदर वन डेसिमल उन्होंने हमें दिया हुआ था तो इसके साथ हम एक ज़ीरो ख़ुद से ऐड कर लेंगे और अब हम अपने देखेंगे कि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास नाइन्टीन पॉइंट फोर सिक्स उसके बाद नाइन्टीन पॉइंट फोर ज़ीरो देन इलेवन पॉइंट नाइन फाइव एंड एलेवन पॉइंट नाइन सो स्टूडेंट्स इस तरह हमने डिसेंडिंग ऑर्डर अपनी कर ली नेक्स्ट पार्ट सी एंड डी ये आपके लिए है कि आप इन पार्ट्स को खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा राइट इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ यानी कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर सो फर्स्ट पार्ट है फाइव पॉइंट जीरो सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट जीरो थ्री फाइव पॉइंट थ्री सिक्स अब हमने देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है उससे पहले जैसे वन टू थ्री इन तीनों में टू टू डेसिमल प्लेसेस हैं पर यहाँ पे फाइव पॉइंट सिक्स हैं तो हम अपनी आसानी के लिए इसके साथ जीरो खुद से ऐड कर लेंगे तो अब इसमें सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है असेंडिंग नंबर कौन सा है फाइव पॉइंट ज़ीरो थ्री उसके बाद लिखेंगे फाइव पॉइंट ज़ीरो सिक्स उसके बाद लिखेंगे फाइव पॉइंट थ्री सिक्स और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा फाइव पॉइंट सिक्स जीरो, ओके स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा नंबर है वन टेन पॉइंट सिक्सटी फोर अलेवन पॉइंट सिक्स जीरो अलेवन पॉइंट फोर जीरो वन हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट फोर तो पहले हम ये देख लेंगे कि डेसिमल प्लेसेस इक्वल हैं यहाँ पे हमारे पास वन सिंगल डिजिट है तो इसके साथ हम एक जीरो खुद से एड कर लेंगे अब हम लिखेंगे अब हमारे पास सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है तो ऑब्वियसली हमारे पास सबसे छोटा नंबर आ रहा है अलेवन पॉइंट फोर जीरो उसके बाद अलेवन पॉइंट सिक्स जीरो नेक्स्ट है वन टेन एंड वन फोरटीन अब इन होल नंबर्स में से हमारे पास कौन सा छोटा होल नंबर है वन हंड्रेड एंड टेन पॉइंट Six four एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ one one four point four zero. सो हमने ये भी कर लिया सो स्टूडेंट्स पार्ट सी डी एंड ई ये आप लोगों ने खुद करने हैं और बहुत ध्यान से अपनी नोट कॉपीज़ पे इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है सिर्फ आपने किस बात का ध्यान रखना है असेंडिंग ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर हो या ग्रेटर और लेसर का आपने जब साइन लगाना है आपने सबसे पहले होल नंबर देखना है कि क्या हमारे होल नंबर सेम है या उनमें डिफरेंस है उसके बाद फिर आप डेसिमल प्लेसेस देखेंगे अगर फर्स्ट डेसिमल प्लेस सेम आ रही है तो फिर आप सेकंड डेसिमल प्लेस को चेक करें अगर सेकंड डेसिमल प्लेस भी सेम है तो फिर थर्ड डेसिमल प्लेस को हम लोग चेक करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अपनी नोट कॉपीज़ पे इन क्वेश्चंस को सेम पैटर्न से जैसे मैंने आपको लिख के बताया है आप लोगों ने इसी तरह इन क्वेश्चंस को अपनी नोट कॉपी पे बहुत नीटली नोट डाउन करना है थैंक यू